भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। 26 जनवरी 1950 जेड़ा की भारत का संविधान बनया सी, उस नूं असीं याद करदे होए अज मंडी लादूका दे निवासी जेड़े गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और किसानों के हक में जो अपनी आवाज उठा रहे हैं। जिवें जिवें भी सारे वर्ग के लोगों को मोदी का असलियत का पता लगता जाता है, सारे ही वर्ग के लोग किसानों के नाल मोढ़े के नाल मोढ़ा ला के खड़े हैं। शायर ने भी बड़ा सोहना लिखा है कि मन की बातें सुन सुन के, मन की बातें सुन सुन के हुण कम पै ने थके, पल्ले कुछ भी ना साडे पाए मोदी, असलियत क्यों जो सामने आई जावे, कहण लग पै ने सारे आए आए मोदी। भई सारे वर्गां दे लोग जेड़े किसानां दे नाल खड़े हन और साडा फर्ज भी बनदा है कि असीं किसानां दा साथ दईए। ते साथियो, असीं अज किसानां दा साथ दे दित्ता ता इसका जेड़ा सब तो वड्डा नुकसान लोकतंत्र का होना है। फिर इन्हां लोकां ने अपनी मर्जी नाल ही सूबे का जेड़ा मुख्यमंत्री ते देश का प्रधानमंत्री चुन लेना, असीं सारे बेवस हो जावांगे। तो साडा सारिआं दा फर्ज बनदा है कि असीं किसानां दे हक विच हां दा नारा मारीए। ठीक है, अज साडे किसान दिल्ली दे विच जेड़ा है इक पासे साडा जवान क्रिएट कर रहा है और दूजे पासे साडा जेड़ा है किसान जेड़ा ट्रैक्टर रोड मार्च दिल्ली दे विच क्रिएट कर रहा है। और जिन्नी देर तक मोदी ये आर्डीनेंस ये काला कानून वापस नहीं लेंदा, उन्नी देर तक किसानों का संघर्ष जेड़ा इसे तरह बरकरार रहेगा। और असीं भी चाहे कोई मजदूर है दुकानदार है, देखो जे साडा किसान ना बचिया पर मैं कहना असीं नहीं बच सकते, ना ही दुकानदार बच सकता है, ना ही कोई छोटा व्यापारी बच सकता है और ना ही मजदूर बच सकता है, क्योंकि साडी सारी अर्थव्यवस्था साडी सारी इकोनमी चलती किसानों के सिर ते। जे साडा किसान ना बचिया तां फिर असीं नहीं बच सकते। जो किसान कोल 4 पैसे होणगे तां उह साडी दुकान ते आवेगा ते समान भी खरीद फरोख्त करेगा। तो साडा सारे दुकानदार वीरां दा भी फर्ज बनता है कि असीं किसानां दे हक विच अगे आईए और एक दूजे का साथ दईए, क्योंकि जे असीं अज साथ ना दित्ता तां वेखो जिहड़ा इह एक्ट है बड़ा मारू कानून है। वेखो जे व्यापारी वर्ग कारपोरेट कंपनियां ने जिहड़ा है उह माल नूं स्टोर कर लैणा, बाजार दे विच किल्लत हो जाणी है, इक साल बाद उह दुगना, मान लो अज 20 रुपए कणक है, अगले साल 40, उस तों अगले साल 80। और वेखो जिहड़ा मजदूर बंदा है उह कणक नहीं खा सकदा, फिर उहनूं जिहड़े आ रुखां दे पत्ते जां गाह नूं उबाल के जिहड़ा खाणा पवेगा। तो साडा सारिआं दा फर्ज है कि असीं किसानां दे हक विच बढ़ चढ़ के जिहड़ा अपना बनदा योगदान पाईए और इह जिहड़ी लड़ाई साडे सारिआं दी सांझी लड़ाई है। देखो साडे जिहड़े समें दीआं सरकारां ने हक तां बनदा है कि जिहड़ी साडी सरकार है लोकां द्वारा चुनी हुई सरकार है उह लोकां लई काम करे, पर साथियो उह लोकां लई काम नहीं कर रहा, 2-4 बंदिआं लई जिहड़े उह काम कर रहे हन। शायर ने बड़ा सोहना लिखा है कि देखो साडे अज असी 26 जनवरी लै के जिहड़ा है आ गणतंत्र दिवस मना रहे हां, इह साडे उहनां देश भगतां नूं असीं याद कर रहे हां जिन्हां ने देश दी आजादी लई अपनियां जानां तक कुर्बान कर दित्तियां। और उहनां दा इक सुपना सी कि सारिआं नूं जिहड़े बराबर दे हक मिलण, ऊंच नीच लई जिहड़ा है कोई थां ना होवे। तां मैं गल कीती सी, शायर ने बड़ा सोहना लिखिआ है ते डोलिया सी खून रस्से फांसियां दे चुमे सी, डोलिया सी खून रस्से फांसियां दे चुमे सी, सिर दे के पूरे कीते कम जेड़े जुमे सी। भई पुगरे ना बीज कातो जेड़े असी बीजे सी, खारा ते कंडिया दे चाहे ना नतीजे सी। भई साडा देश हर वेले सानू रहिंदा घूरदा, अबानियां अडानियां दा पख रहिंदा घूरदा। भई आओ सारे रल सुते लोकां नूं जगा लईए, किसानी बचा लईए,
किसानी बचा ली है। साडा सारिया का प्रतिबंध है, अच असी किसानों का साथ लीए और किसानी बचा लीए। देखो भगत सिंह और ने अपनिया जाना तक जिहड़ियां कुर्बान कर दित्तियां, अज हर इंसान नूं जिहड़ा भगत सिंह बनना पैना, हर इंसान नूं भगत सिंह बनना पैना है, ता जिहड़े सानूं साडे हक मिलने आने। और शायर ने भी बड़ा सोहणा लिखिया है कि भगत सिंह तां चढ़ गया फांसी, भगत सिंह तां चढ़ गया फांसी के मेरा मुल्क आजाद हो, भगत सिंह तां चढ़ गया फांसी के मेरा मुल्क आजाद हो, की पता सी योद्या नू आ खुद साडे बाद हो। भई पढ़ लिख के भी फुरन गए वेले, पढ़ लिख के भी फुरन गए वेले, रोज बिगड़ा फुकन गए, रिश्वत खोरी दोसा पकाओ हर कुर्सी ते फुकन गए। जेकर मुल्क बचाना है, जेकर मुल्क बचाना है, हिम्मत कदे नहीं हारी दी, हर दिल विच बरोध होंदा पर लोड़ एक चंगारी दी। हर इंसान दे विच जिहड़ा प्रूफ है, एक बड़ा खजाना, बड़ा बड़ी ताकत हैगी है, पर सिर्फ लोड़ है उन्हूं जगाउण दी, उन्हूं जागरूक करन दी। जे साडे लोग जागरूक हो गए कि हक्कां दी लड़ाई नहीं असीं किसानां दा साथ दित्ता तां इह जिहड़ा असीं लड़ाई जित जावांगे। तो एक बार फिर मैं सारे अड्डा निवासियां नूं, दुकानदार वीरां नूं, मजदूरां नूं बेनती करदा कि किसानां दे हक विच असीं अपना हाँ का मोहरा मारीे और इस संघर्ष का जिहड़ा हिस्सा बनीए। धन्यवाद। बहुत वधिया जिहड़े कि इन्हां ने शब्द कहे ने, जिहड़ा कि सानूं भगत सिंह नूं बुलंदा किया भी सारे भगत सिंह बन जाओ, जे कानून वापस नहीं करता तो अज सानूं लोड़ है कि सारे भगत सिंह बन के इनके तौंदे गुर्दा रखो, इनके कानून जिहड़े कल बनाए ने ये रद्द कराओ। इस तरह हिंदुस्तान नूं चलाने वाला किसान एक सच्चा किसान है, जिहड़ा कि पवित्र किसान है, कि जिहड़े पवित्र नूं साडे किसानां नूं छेड़िया इनका नतीजा इन्हूं जरूर भुगतना पवेगा। इन्हूं बहुत जल्दी जल्द तो जल्दी इन्हूं कभी थले लाया जाएगा। जिहड़े इनके चेले जिहड़े इनके बने फिरदे ने अडानी अंबानी जिन्हां वास्ते काम करदे ने, असीं उहदे ते भी कार्रवाई करांगे, उहनूं भी देश दा विचों कढ के बाहर ते असीं दम लवांगे। जिहड़े अंग्रेज सी, अंग्रेज तां हिंदुस्तान छड्ड के बाहर भज गए, ते जिहड़ा साडे हिंदुस्तान नाल जे गद्दारी करेगा हिंदुस्तान दा बंदा, उहनूं असीं भगन देणा ही नहीं। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯੋਜ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਸੱਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਲੜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਵਾਨ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਊ ਚਾਚੇ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਰਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰੀ ਫਲ